मैं देखो खास खास चीजें बताऊंगा बेटा जो कि आपको एग्जाम हाल में ना अच्छे नंबर स्कोर करने में मदद करेगी, ठीक है। हर एक चीज बताऊंगा, एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा आपको पास होने का तरीका भी, यदि आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे तब भी कैसे पास हो सकते हो। जवाबदारी बेटा ये नहीं, ये बच्चों को जो मैंने तरीका बताया ना वो तरीका आपको भी बताऊंगा, है ना। चलिए तो अभी हाल फिलहाल अपन क्वेश्चन नंबर जो 4 है यहां से शुरू करते हैं। देखो, राइट ए लेटर टू यूअर प्रिंसिपल फॉर 4 डेज। सिक लीव की छुट्टी के लिए आपको एज यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, जैसा कि तुम बुखार से पीड़ित हो तो तुम्हें छुट्टी की अवकाश लिखनी है, एप्लीकेशन लिखनी है। चलिए यहां से अपन अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां से सबसे पहले एप्लीकेशन आपको लिखनी बेटा, है ना। एप्लीकेशन लिखते समय एक ही बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, वो बात यह है कि वहां पर प्रश्न में आपको प्रिंसिपल दिया रहे ना तो प्रिंसिपल लिखना है, और क्लास टीचर दे तो क्लास टीचर लिख देना है। यहां पर क्लास टीचर लिखा, पर लेकिन अपने प्रश्न में यदि प्रिंसिपल है तो आपको क्या लिखना है, टू द प्रिंसिपल, ठीक है। यहां से स्कूल का नाम वो देते ही नहीं है उसमें आपके लिए 9th के लिए, और दे तो लिख देना है ना। सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। सर आई बेग टू से डेट। देखो मैं विनम्रता से आपको कहना चाहता हूं कि आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। यहां 10th की जगह पर क्या लिख लोगे मेरे बाबू, 9th। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूं। इन यूअर स्कूल, आपकी स्कूल का, ठीक है। आई हैव सफरिंग, मैं बुखार से पीड़ित हूं, फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से मैं क्या हूँ, बुखार से पीड़ित हूँ। द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है, टेक बेड रेस्ट, होने की मुझे क्या किया है, बिस्तर पर रहने की, आराम की करने के लिए सलाह दी है। तो ये टू टेक ए रेस्ट फॉर 2 डेज, यहाँ पर थोड़ा सा लगे तो फॉर 2 डेज, तो 2 दिन के लिए। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, सो इसलिए मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज, आई शैल बी थैंकफुल टू यू, ठीक है बेटा। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर, एक मैंने आपको क्या बता दिया है, एप्लीकेशन बता दिए सिक लीव की, ठीक है। अगला क्या है अपना, कि कभी कभी है ना एग्जाम में बेटा ये पूछ लेता है स्कॉलरशिप वाली, फुल फी कंसेंशन वाली। तो टू द प्रिंसिपल यहां पर अपन आगे लिख देंगे, सर आई बैक टू सेडेट, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ ऑफ क्लास 10th। इन यूअर स्कूल, आपकी स्कूल का, माई फादर इज पुअर लेबर, मतलब जो बोलते हैं ना अपन मजदूर है, पुअर फार्मर भी लिख सकते हैं ना। ही इज अनेबल टू पे माई स्कूल फी, मेरी स्कूल की फीस भरने में वो क्या है, असमर्थ है। सो आई वांट फुल फी कंजेशन स्कूल पुअर बॉयज फंड, यानी कि देखो अब ये सो आई वांट टू, यहाँ से अपन डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ठीक है। काइंडली इशू मी, कृपया मुझे दे यहाँ पर स्कॉलरशिप, आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। ये आप बेटर लिख सकते हैं ना बढ़िया से खर्चा हो तो, ठीक है। ये कभी कभी ये पूछ लेता है, बाकी दो एप्लीकेशन आपकी हो चुकी हैं। इसके आगे की हम बात करें तो वंडर ऑफ साइंस का निबंध आएगा आपका, है ना बेटा। और ये आगे बढ़ते हैं ना फटाफट से, क्या बोल रहा है आगे अपना, वंडर ऑफ साइंस का निबंध हो जाएगा, और वंडर ऑफ साइंस के निबंध के बाद में अपन आ जाएगा सेक्शन सी के ऊपर, ठीक है। ये आपका यहां से देख सकते हैं कितना हो गया है, क्या बोल रहा है सेक्शन सी में, यू मस्ट डू योर ड्यूटी, यानी कि तुम क्या करो, तुम्हें अपनी ड्यूटी करना ही चाहिए, तुम्हारा कर्तव्य है। ही नाइथर ड्रिंक्स, वहां ना तो
शराब पीता ड्रिंक का मतलब यहाँ पर शराब पीना आएगा, और नोर स्मोक्स ना ही धुआं, मतलब बीड़ी सिगरेट है ना, स्मोकिंग करता है वो, ना तो शराब पीता ना तो नोर आ जाएगा है ना, नाइथर और नोर का प्रयोग करें। और यहाँ पर शेक्सपियर हैज रिटन मेनी प्लेस, और सी कैन स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच, वहाँ इंग्लिश और फ्रेंच भाषा बोल सकता है। कम एंड सिट बिसाइड मी, देखो बिसाइड का मतलब था की ओर, आओ और बैठो मेरी ओर। इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे, ठीक है बेटा। यदि हम डूअर्स डायरेक्टेड की बात करें ना, क्योंकि इसमें हैज बीन हैव बीन लगे ना, तो हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं, और सिंस यस्टरडे ने कल से, वर्षा कल से हो रही है। अब देखो, यू गो टू स्कूल डेली, चेंज इनटू नेगेटिव, यू डू नॉट गो टू स्कूल डेली, तुम डेली स्कूल नहीं जाते हो। और नो सुनर की जगह पर एस सुनेस लगाना है, और यहाँ पर सा आ जाएगा है ना, सी का सा, क्योंकि जैसे ही उसने मुझे देखा, ठीक है, ही डिस्प्रेड। आगे देखते बेटा, द सेलिब्रेट बर्थडे पार्टी, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। तो देखो कुछ नहीं करना है, डू मैं एक सेपरेट वीडियो में क्या करूँगा, डूएस डायरेक्टर आपको अलग बताऊँगा, और ये ठीक है, ये भी आपको अलग बताऊँगा बेटा, बिल्कुल आप तो निश्चिंत रहिए। हमारा क्या उद्देश्य बेटा, आप अच्छे अंक प्राप्त करें, अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। किसी के पास रियल ईयर पेपर के लफड़े में मत पढ़ो, मैं जो सेलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ उन सेलेक्टेड क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है बेटा, मेहनत करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा, डू दे सेलिब्रेट बर्थडे पार्टी, और नांग महाराज बना देना है, मैं आपको समझाऊंगा एक सेपरेट वीडियो में ना। ही इज वेरी पुअर, ही इज सो पुअर डेट ही कैन नॉट पे हीज फीस। यहाँ से अपन बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ तक, हमारे बच्चे बड़े ही समझदार है। आगे अपन है ना क्वेश्चन आंसर एक साथ देखेंगे बेटा, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करिएगा, खूब मेहनत करिएगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।